नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। तो दोस्तों आज एकदम न्यू स्टाइल में न्यू सॉन्ग के साथ स्टेटस वीडियो बनाते सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप चैनल पर नए और पहली बार चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम की। तो सबसे पहले अपन डेमो वीडियो देख लेते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको अलर्ट मोशन की जरूरत पड़ेगी, वो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा या मैं टेलीग्राम में पिन भी कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों इफेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं वो थोड़ा सा क्लिप आपको 10 सेकंड का देख लो, उसके बाद अपन एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इस टाइटल पर क्लिक करना, टाइटल पर क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, इस तरह से आपको बीट मार्क और शेक इफेक्ट और पीएनजी इमेज इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो लेयर तो आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं देख लीजिए, मैं शेक इफेक्ट डाउनलोड करके बता देता हूं, ठीक है। आपको इस शेक इफेक्ट का लिंक इस तरह ग्रीन कलर लिंक, इस पर लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक कर देना, इस क्रॉस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से इस क्रॉस पर क्लिक कर देना और इस तरह से आपको नीचे चला जाना, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने का, यहाँ पर आपको थंबनेल देखने को मिल जाएगा, फोटो जो भी वीडियो उसका फोटो इस तरह मिल जाएगा और इस तरह आपको नीचे चले जाना और नीचे चले जाना और नीचे और नीचे और यहाँ पर देख लीजिए आपको डाउनलोड इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला देख लीजिए इस तरह लिखा हुआ मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लिया 10 सेकंड का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना, ठीक है, 10 सेकंड या 12 सेकंड तक वेट लगेगा, 5 सेकंड और आपको यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद इस क्रॉस पर फिर से क्लिक कर देना और यहाँ पर इस क्रॉस पर क्लिक कर देना और इस तरह नीचे चले जाना और आपको यहाँ पर लिखा शेक इफेक्ट बाय रितेश, यहाँ पर आपको मिल गया, यहाँ पर आपको शेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे जैसे एक इफेक्ट पर क्लिक कर देना कुछ इस तरह से आपने हो जाएगा और आपको यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर देना, प्लीज वेट और डाउनलोड प्रोजेक्ट पैकेट और यहाँ पर देख ले इस तरह से डाउनलोड हो गया, उसके बाद इस एरो पर क्लिक कर देना, इस तरह से सेम दोस्तों बीट मार्को और पीएनजी में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर देख लिया, आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा प्रोजेक्ट का ऑप्शन, इस प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना। प्रोजेक्ट पर जैसे क्लिक कर जो अपन ने मटेरियल डाउनलोड किया है बीट मार्क और शेक इफेक्ट और पीएनजी इमेज वो तीनों यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर बीट मार्क बाय रितेश एडिंग, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस देखने को मिल जाएगा, ये वाला देखिए आपको इस प्लस पर क्लिक कर देना। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, दूसरे नंबर आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके फोल्डर खुल के आ जाएगा, तो यहाँ से वो वाला फोल्डर सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर में आपको फोटो, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं एक फोटो ले लेता हूँ, आप अपना या किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर यही फोटो आपको चाहे तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर और पाँच नंबर फिल कॉम्प्रोमेशन एरिया पर क्लिक कर देना। क्लिक करने बाद दोस्तों आपको इस तरह खिसका के आपको लास्ट तक चले जाना, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी खिसका लेता हूँ। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम की, ठीक है। तो लास्ट तक आने पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद खाली में टच कर देना और इस एरो पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर पीएनजी इमेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पीएनजी इमेज पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और सिलेक्ट ऑल एयर्स का ऑप्शन मिल गया, पहले नंबर देख लिया आपको इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर वापस क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर कॉपी थ्री लेयर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ से क्रॉस पर क्लिक करना, इस एरो पर क्लिक करके आपको बीट मार्क पर क्लिक करना, बीट मार्क पर क्लिक करने बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको पेस्ट थ्री लेयर्स पर क्लिक कर देना। उसके बाद इस तरह से आपको लास्ट चले जाना, ठीक है। लास्ट जाने बाद आपको यहाँ पर पहले नंबर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना, खाली जगह में टच कर देना। उसके बाद दूसरे नंबर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, खाली जगह में टच कर देना। तीसरे नंबर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक करना, अगर यहाँ का कलर चेंज करना कलर द फिल पर यहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ से कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी आपको पसंद है वो वाला कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना, तो मैं यहाँ से लाल वाला कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद इस खाली जगह में टच कर देना और पहले नंबर पर क्लिक करके इस पीएनजी को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह क्लिक करना, मूव द ट्रांसफर पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और इसको इस तरह कर लेना, ठीक है। तो इस तरह बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और इस पीएनजी को थोड़ा सा मैं ऊपर यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद खाली जगह में आपको टच कर देना और इस एरो पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर शेक इफेक्ट बाय रितेश एडिंग, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। शेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पहले नंबर मिल जाएगा ग्रुप 3, ये वाला पहले नंबर, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना, क्लिक करने बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना
और आपको यहाँ पर कॉपी लेयर का ऑप्शन कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद खाली जगह में टच कर देना और इस एरो पर क्लिक करके आपको यहाँ पर बीट मार्क पर क्लिक कर देना। ठीक है, बीट मार्क पर क्लिक करने में दोस्तों आपको इस तरह से आपको आगे आ जाना। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से और आगे आ जाना, देख लीजिए दोस्तों आपको इस तरह से यहाँ तक आ जाना। ठीक है, 18:15 आपको यहाँ पर टाइमिंग दिख रहा है, 18:15। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको पेस्ट लेयर का ऑप्शन का पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस ग्रुप पर क्लिक कर देना और थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला कॉर्नर में देख लिया, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर देख लिया सबसे लास्ट में अनग्रुप पर क्लिक कर देना। ठीक है, अनग्रुप पर जैसे क्लिक करो कुछ इस तरह से अपने ये वाले इफेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एरो पर क्लिक कर देना। एरो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना। शेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए दूसरे नंबर ग्रुप दो। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर कॉपी लेयर का ऑप्शन कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर खाली जगह में टच कर देना और इस एरो पर क्लिक करके आपको यहाँ पर बीट मार्क पर क्लिक कर देना। बीट मार्क पर क्लिक करने में जी वाला एरो का ऑप्शन एरो पर एक बार क्लिक कर देना। ठीक है, एक बार क्लिक करने में दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना। उसके बाद इस ग्रुप पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर सबसे लास्ट अनग्रुप पर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से इफेक्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद इस एरो पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना। सेक इफेक्ट पर क्लिक करने में सबसे लास्ट में मिल जाएगा ग्रुप वन। ठीक है, ये वाला आपको इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर क्लिक करें, आपको यहाँ पर कॉपी लेयर पर क्लिक कर देना, खाली जगह में आपको टच कर देना और इस एरो पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर बीट मार्क पर क्लिक कर देना। बीट मार्क पर क्लिक करने में ये वाला एरो का ऑप्शन है, एरो पर एक और दो बार क्लिक कर देना। दो बार क्लिक करने बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना। पेस्ट करने बाद इस ग्रुप पर क्लिक कर देना और थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना और सबसे लास्ट टाइम अनग्रुप पर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद इस तरह आपको फर्स्ट टाइम चले जाना। ठीक है, इस तरह फर्स्ट टाइम आ जाना। फर्स्ट टाइम आने के बाद आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देना और यहाँ से ये वाला सेव सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको पाँचवें नंबर फिल कॉन्फर्मेशन एरिया पर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आपको लास्ट एक चले जाना। ठीक है, लास्ट एक जाने में दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना, उसके बाद कलर द फिल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना, ब्लैक यानी काला। उसके बाद खाली जगह में टच कर देना, कुछ इस तरह से कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आ जाना। फर्स्ट टाइम आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पहले नंबर रेक्टेंगल टू लिखा हुआ मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इफेक्ट पर क्लिक कर देना और यहाँ पर अर्ड इफेक्ट पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर प्रोसीड्यूरल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल वाले इफेक्ट ये वाले सिलेक्ट कर लेना। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस पर स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लिया प्लस देखने को मिल जाएगा, ये वाला आपको इस प्लस पर क्लिक कर, प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जीरो वाई देखने को मिल जाएगा बीच में, ये वाला आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने बाद दोस्तों आपको इस तरह से आपको लास्ट चले जाना पहले तो। ठीक है, इस तरह से करके लास्ट आ जाना। उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह खींचना, इस तरह जैसे कहें यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 300-350 के बीच में आपको कर लेना। ठीक है, मैं इस तरह से कह लेता हूँ 150 और 263 तो इसको मैं थोड़ा 300, ठीक है 307 हो गया। उसके बाद खाली जगह में टच कर देना, उसके बाद इस पर वापस क्लिक कर देना और ब्लेंडिंग द ऑपोजिट इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर लाइटन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना, पहले नंबर स्क्रीन पर क्लिक कर देना, खाली जगह में टच कर देना। उसके बाद इस तरह आपको फर्स्ट टाइम चले जाना। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट टाइम आने के बाद दोस्तों आपको इस तरह सबसे नीचे चले जाना। नीचे से आपको यहाँ पर देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बॉर्डर मिल जाएगा, इस बॉर्डर पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर कॉपी लेयर पर क्लिक कर देना और यहाँ से आपको डिलीट कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको पेस्ट लेयर पर क्लिक करना तो बॉर्डर अपने ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये वाला एरो का ऑप्शन है, एरो पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको स्पॉट पर क्लिक कर देना, वीडियो अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।